नमस्कार दर्शकों, आज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं मोशन एजुकेशन में, जहां पे जो है बच्चों के लिए क्या फैकल्टी जो है यहां पे मोशन एजुकेशन द्वारा दी जाएगी, हम उसके बारे में यहां पे जानेंगे, क्योंकि हमें भी ज़्यादा पता नहीं है। तो हम यहीं पे आके इनसे पूछ लेते हैं कि क्यों इन्होंने जो है हमीरपुर को ही चुना। नमस्कार सर। जी मैम, नमस्कार सर। आप हमें बताएंगे कि जो मोशन एजुकेशन जो है वो क्या है? बिल्कुल, मोशन एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मोशन एजुकेशन आज से 14 साल पहले 7 दिसंबर 2007 को मोशन एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नितिन विजय सर हैं जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, आईआईटी बीएचयू से पास आउट है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी ये मोटिव लेके कि हम हर उस बच्चे को जो कि एवरेज है उसको एक टॉप क्लास स्टूडेंट तक लेके जाएंगे, जो कि हमारा मोटिव भी है और यही मोटिव पे हम काम करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट को उस मुकाम तक लेके जाएं जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। सर, आपने हमीरपुर जिला को ही क्यों चुना? हमीरपुर जिला इसलिए क्योंकि हमारी जो वर्किंग है पूरी पैन इंडिया होती है, प्लस आपको ये पता है कि हमीरपुर का जो बच्चा है ये भी जो भी नियरेस्ट सिटीज़ अपनी होती है, जैसे अगर अपन चंडीगढ़ लें, दिल्ली लें, कोटा लें, यहाँ पे बच्चा हर साल अपनी एजुकेशन को परस्यू करने जाता है, जो कि उसकी हायर एजुकेशन होती है, जो कि उसकी गोल होता है, इसी को परस्यू करने के लिए वो कोटा जाता है, चंडीगढ़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को इस कोविड के सिचुएशन में वहाँ ना जाना पड़े, अपने घर में रह के घर के एनवायरनमेंट में वो बच्चा ये चीज़ यहाँ पर परस्यू कर सके। ओके सर, हमीरपुर में जो है बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं, तो आप जो हैं बच्चों को क्या किस चीज़ पे फोकस करेंगे? एक्चुअली मैम, ये हमारा पूरा प्लान आउट होता है, ये पूरा का पूरा ऑपरेटेड होता है एचओ से, इनकी पूरी गाइडलाइन जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे डायरेक्टर सर हैं नितिन विजय सर, उनकी गाइडलाइन में ही ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें एग्जीक्यूटेड होगी यहाँ पे एचओ के द्वारा, एचओ हमें वहाँ से बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसीड करना है। पूरी की पूरी एकेडमिक प्लानिंग आती है सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन 11 क्लास की बात करें तो 11 क्लास का 210 दिन का प्लान हमारा होता है जिस दिन से हम स्टार्ट करते हैं। पूरे 210 दिन के प्लान आउट में हमें बच्चे का कोर्स ख़त्म करवाना होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक की क्लास कितने टर्म्स में ख़त्म होनी है, उस सब्जेक्ट का उस टॉपिक का टेस्ट कब होना है, उसका रिवीजन किस हिसाब से चलेगा, ये प्रॉपर टाइम लिमिट लेके हम चलते हैं। उसी बिहाफ पे हमारे को सक्सेस का जो हमारा मंत्र है वो यही है, टाइम प्लानिंग। ओके सर, तो स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कोचिंग किस तरह से? स्कूल के लिए मैम, हम जो अभी प्लान आउट कर रहे हैं वो ये है कि अभी जैसे कि अभी आपको पता है 4 तारीख तक तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो हमने ये अभी नेक्स्ट हमारी टेंटेटिव डेट जो रखी है 12 अप्रैल रखी हुई है। 12 अप्रैल को हम यहाँ पे 9th-10th के स्टूडेंट प्लस 12th के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए रेगुलर क्वेरीज हमारे पास अपडेटेड है। प्लस जैसे कि अभी 10th का बच्चा जो है अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है, CBSE HP बोर्ड दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जैसे ही उनके बोर्ड के एग्ज़ाम फिनिश होते हैं उसके बाद उनका बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही उनकी बैच स्टार्ट करवा दी जाएगी 11th क्लास के लिए, पर्टिकुलरली JEE के लिए होगी और नीट के लिए होगी, और जो 9th-10th के लिए उसमें हम बच्चे का फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। सर, आप मोशन एजुकेशन की फैकल्टी के बारे में बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मोशन एजुकेशन की जो फैकल्टी है ये प्रोग्राम मोशन के कोटा से ही चलता है। इसमें फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होता है, जिसमें जो भी पर्सनलाइज सब्जेक्ट में फैकल्टीज होती है, जो अपनी महारत हासिल करी होती है सब्जेक्ट में, उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है विद इन द पीरियड ऑफ 4 to 5 months कोटा में, फिर उनको अपने हारे जितने भी सेंटर्स वर्किंग है वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद वही फैकल्टीज सब जगह ट्रांसफ़र लेती हैं और अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करती हैं। अभी अगर करंटली हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में हमारे पास जो फैकल्टीज़ है ऑलरेडी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री फैकल्टीज़ जो हैं वो 6+ years एक्सपीरियंस है, और जो हमारे मैथ्स वाले सर हैं वो 10+ years एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस इनका है 5+ years का एक्सपीरियंस सबको मोशन के अंदर है, जिसमें वो हमारी एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है। प्लस यही चीज़ अगर फैकल्टीज़ के और अगर बात करें तो इनके रिजल्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इनका जो करंट रिजल्ट था अभी 2020 वाला जो रिजल्ट था, इनमें इनके 3 बच्चे NIT से जो लास्ट सेंटर था, प्लस MBBS की बात करें तो 5 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हुए हैं, 7 बच्चे BDS में सेलेक्ट हुए हैं, 10 बच्चे BAMS में सेलेक्ट हुए हैं। ये इनका पास रिजल्ट था।
डिस्पाइट ऑफ द जेई और नीट, जैसे कि हम पर्टिकुलरली जेई और नीट में मास्टरी है तो इसी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है मैम, जैसे कि बच्चे एक्स वाई जेड फील्ड में भी जाना चाहता है, जैसे कि हमारे एक बच्चे थे जो कि अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भी दे रहे थे जेई के साथ तैयारी करते हुए, तो एनडीए में भी हमारा लास्ट ईयर बच्चा निकला है जो जेई की तैयारी कर रहा था, 1024 ऑल इंडिया रैंकिंग से निकला है, तो वो जेई के साथ साथ वो प्रिपरेशन भी बच्चों की पैरेलली चलती है। प्लस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो अभी 2021 का लेटेस्ट रिजल्ट है, जो हमारा नीट का बच्चा था वो जेई के अटेम्प्ट में अपीयर हुआ है। नीट कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी रहता है जेई के कंपेरिजन, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की अपन बात करें तो उसी में हमारे जेई में अपीयर होके बच्चे का जो परसेंटाइल है वो 99+ परसेंटाइल है। इवन अपन मार्क्स की बात करें तो फिर केमिस्ट्री में बच्चे के 81 मार्क्स है आउट ऑफ 100, और हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो बच्चे की 86 मार्क्स है आउट ऑफ 100, जो कि एक एक्सेप्शनल बात है हमारे लिए। तो आप सर अभिभावकों को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट दोनों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, कमेंट्स हमने कर दिए हैं, 12 अप्रैल हमने एक टेंटेटिव डेट रखी है जहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। प्लस जो हमारा स्ट्रक्चरली डिजाइंड सिलेबस है और जो हमारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं हमारे तरफ से ही, वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि बच्चे की उसमें डेफिनेट ग्रोथ तय है, क्योंकि अगर बच्चा हमारे टीचर की गाइडेंस में वो करता है तो उसमें सब चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर मैं डिटेल में अगर सिलेबस की आपको बता दूँ स्टडी मटेरियल के बारे में, चार चीज़ें हमारे पास होती है। एक तो होती है DPPS, जिसमें हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस हमारे पास मॉड्यूल होते हैं जिसमें बच्चे के पास एक्सरसाइज होती है हर पर्टिकुलर टॉपिक की। उसके बाद हमारे जब ये कोर्स खत्म हो जाता है तो FRM करके हम देते हैं, जिसमें फाइनल रिविजन मॉड्यूल है, जो कि हमारा पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चरली HO से डिज़ाइन है, बच्चों को दिया जाता है, और अगर वो टीचर की गाइडेंस में करता है तो डेफिनेट रिजल्ट उसका निकलना तय होता है। तो इसी मैसेज को मैं आगे देना चाहूँगा सभी पेरेंट को और स्टूडेंट को, और ये बोलना चाहूँगा कि तो जो ये स्ट्रक्चर होगा ये फॉलो करते हुए सेम जो एसेंस बच्चे को कोटा में मिलता है वही एसेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे विद द ब्यू डिलिजेंस ऑफ द कोटा के सेम स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन में वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ताकि बच्चे को वही सेम एसेंस मिले जो उसको कोटा में मिलता है। तो दर्शकों, ये थे मोशन एजुकेशन सेंटर के मैनेजर अमन गौतम जी, जिन्होंने बताया कि जो बच्चों की क्लासेस हैं वो 12 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, और जो ड्रॉपर और क्रैश कोर्स है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि जिस तरह से आप स्टडी मटेरियल जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा।